सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं दीपा जोशी सुखी ढांग से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीपा जोशी पहाड़ी चेली में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो गाइस हम भी मस्त हैं, लेकिन और आज जा रही हूँ मैं टनकपुर, है ना, बेटी के साथ जा रही हूँ। तो गाइस आज है हमारी एनिवर्सरी, आज हमारी एनिवर्सरी है, तो 7 साल पूरे होके 8वां लग गया है। ऐसे ही लड़ते झगड़ते दिन गुजर गए हैं और इसी रोड से स्कूल आए हम, इसी रोड से पढ़ा हमने, इसी रोड में शादी हो रखी है। तो गाइज मतलब पता ही नहीं चलता है और क्या कहते हैं कब क्या हुआ करके। और तो आज 7 साल पूरे हो गए और अच्छा भी लग रहा है और अभी तक का जीवन सही गया है, बढ़िया ही रहा है। तो आशा करती हूँ आगे को भी आप सभी लोगों के आशीर्वाद से अच्छा ही रहेगा। तो ठीक ही हो रहा है, आज 8वें में प्रवेश कर लिया है हमने 8 साल में, तो बेटा भी इतना बड़ा हो गया है। अब तो 6 साल तो मेरे बेटे को ही पूरे होने वाले हैं, है ना। ये तो कितने में पड़ता है। तो गाइज अब फर्स्ट से ही हमने एक केक काटने का रीति रिवाज जैसा ही बना दिया था फर्स्ट एनिवर्सरी में, तो वैसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है। तो नॉर्मली सर्जरी में सर्जरी के मेम्बरों के साथ मनाते हैं, तो कहीं इधर उधर घूमने भी नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए हम जा रहे हैं टनकपुर। टनकपुर से ही लाएंगे सारा सामान, वहीं से आता है, तो केक लाएंगे और तो कुछ ज़्यादा क्या है, और भी काम है मेरे, लेकिन खाली केक के लिए नहीं, लेकिन मेरे घर के पर्सनल काम भी हैं। तो जा रही हूँ, तो इसी टाइम स्कूल से आ गया मम्मा, मैं भी चलता हूँ, आज एनिवर्सरी है तो केक लाएंगे। तो बेटे मन पसंद तेरे बर्थडे के दिन, इसका बर्थडे आने वाला है जुलाई में, तो उसमें लेगा। तो गए चलते हैं, मिलते हैं आपको वहाँ जाने के बाद। क्या लेगा तू, क्या कर रहा है ऐसा? तो गाइस इसलिए सावधानी से चलें, सुरक्षित चलें और बहुत ज़्यादा तेज़ गति से ना चलें। ये देखो इस टाइप से, और लेकिन आदमियों के कोई नुकसान नहीं हुआ जो इसमें बैठे थे, उन लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी देखो पूरी जली हुई है। तो गाइस सबसे पहले जाते हैं हम यहाँ पर ये गिफ्ट वाली दुकान में, यहाँ पर बैठे हैं दादा, तो भी पहन लो पड़ा। तो गाइस आगे हम कीर्ति दा के दुकान में और यहाँ से ले रहे हैं गिफ्ट। गिफ्ट अब किसके लिए ले रहे हैं वो बाद में बताएंगे, अभी देख लेते हैं। ये देखो एक ये है और एक सुपर बार, वैसे हमारे यहाँ सुपर बार ही चलता है। तो गाइस गिफ्ट लेने के बाद अब आ गए हम कीर्ति दुकान में, भी अभी गया यहाँ पर लगे हैं केक बनाना, क्या है ना, लेना ही है ना। तेरे नज़र में डायरेक्ट क्या आ रहा है, क्या आ रहा है इधर देखा। देखो ये अब चुप रह गया। तो यहाँ पर से तो सबसे पहले क्या पी रहा है, चीनी पिया फिर ये अच्छा तो बड़ा याद है यार, ये तो बताया था इसके लिए क्या आ रहा है। तो गाइस इधर उधर का काम करने के बाद अब आ गए हम विवेक फास्ट फूड में, यहाँ पर जाके खाते हैं हम लोग। तो यहाँ से कुछ फास्ट फूड खा लेते हैं, आज कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं अभी तक, सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद इधर उधर ही मैं काम ही में है, और वैसे भी थोड़ा मतलब मन भी अजीब जैसा हो रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले ले लेते हैं हम मोमोज, ये आगे इसके पसंद का है क्या, यहाँ पर आगे हमारे लिए मोमोज। क्या बताएं, अब ये सामान लेके आ गए हैं। तो गाइस मैं आपको बताऊं, मैं लाई थी ये गिफ्ट, तो आपको बताऊं ये गिफ्ट लाई मैं अपनी देवरानी के लिए, देवर और देवरानी के लिए, क्योंकि उनकी कल एनिवर्सरी थी और मैं कल कहीं गई हुई थी, तो इसलिए मैं नहीं दे पाई, तो ये लाई हूँ और दे के आती हूँ फटाफट। हमारी देवरानी जी देखा की क्या कर रही है, ये है तेरे लिए गिफ्ट, मेरे लिए असो शकल के लिए भी, हाँ दोनों का है। तो
गाइस खाने की तैयारी हो गई है और खाने में सभी लोग लगे हैं, आ रहे हैं नंद लोग भी आ रहे हैं, बुआ लोग भी आ रहे हैं, तो देवरानी जी भी पहुंच चुकी है बहुत दूर से। जिसको आटा गूंदना बहुत अच्छा लगता है ना आंसू, ये देखो मम्मी यहाँ पर, और मैंने बना दिया है इसमें रायता, ये पूरी और रायता, और इसमें बना दी है सूखी सब्जी, इसमें रखे हैं चने, बाकी ये टल्लू कहते हैं उसके लिए मैंने भिगा दिया है आटा, इसमें कुछ भी मेरी बहन जी भी पहुंच चुकी हैं, आ जाओ। तो गाइस फाइनली नॉर्मली मतलब ये तैयार हो गए हैं और साड़ी पहन ली है, तो मैंने और सारा काम भी हो गया है, बाकी बुआ लोग भी आ गए हैं, शाम के बजे हैं आज, तो आज बजे कटा है मतलब 8 बजे कटा है मतलब केक, तो साड़ी पहनना थोड़ा शुभ होता है तो इसलिए साड़ी भी पहन ली है मैंने, खाना भी बना दिया है, बाकी पूरी बना रहे हैं तो आपको दिखाती हूँ, और ज़्यादा वैसा कुछ नहीं है, हाँ नॉर्मली काटते हैं तो नॉर्मली ही है। तो गाइस ये देखो बाहर लाए हैं, क्योंकि पूरी की गैस होती है यानी धुआं ही धुआं हो जाता है, एग्जॉस्ट फैन से भी कुछ काम नहीं होता, तो यहाँ पर ये बाहर लाए हैं, यहाँ पर बैठे हैं सब, और हमारी नंद भी आ गई हैं, बनाने लग गई हैं पूरी यहाँ पर। जिसको जो बोलना है बोल सकता है। वीडियो बन चुकी है। क्या है भाई? सब सारा भूत तो उसको बनाया है। ये लगे डिस्कस हो रही भाई लोगों की। देवरानी जी ने दे रखा है।
आगे हमारी केक खाने की। हेलो हेलो, टिकट की अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग हो रही है। तो गाइस ये देखो, चल मैं दे रहा हूं, रुक जा मैं दे रहा हूं। नहीं यही पे पूछल रहा है। फिर उका ले आते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं रोज तो रोज को देंगे हम अपने पतिदेव को यहाँ। तो गाइस अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और की खिला रहा ना केवल आ गया सोई सब वो हाथी अपना गुल्लक फोड़, गुल्लक फोड़ अपना जा। अरे वाह, तो गाइस ये है ये फोटो क्यों अच्छी लग रही है। अब उनको तो आलू का देवी भी देंगे। हाथे फोड़ा ही जितने हैं, जितने हैं। नानी ये पापा, कौन है बाबा, कौन है इसमें, कौन है? बैठ के देख, बैठ के। वाह।